हमसे क्योंकि सबसे बड़ी चीज हम कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहते हमारे हम आज क्योंकि हम सीधे सीधे आपसे जवाब देना चाहते हैं क्योंकि राजनीतिक चीजों के हमारे जवाब हमारी पार्टी हमारा वो ऑलरेडी वो आपको देंगे। हम तो केवल एक चीज भी बताना चाहते हैं आपसे कि केवल कुछ लोग ये होते हैं कि हमको सोचते हैं उनको हमको इसी ऐसे गलत चीजों से हमको कुछ चीज प्राप्त होती है तो वो गलत चीज ही करके प्राप्त करेंगे। ठीक है ठीक है मिश्रा जी बहुत धन्यवाद आपका समाचार पत्र से बात करने के लिए। डॉक्टर पूर्णमासी आपके 3 मिनट शुरू होते हैं अब, मैं कोई व्यवधान नहीं डालूंगा, आप धारा प्रवाह तरीके से बोल सकते हैं जो आप चाहें बोलें, मैं बाद में हम अमिताभ जी और योगी जी उस बारे में बात करेंगे। 3 मिनट स्टार्ट्स नाउ। जी जी देखिए अग्निहोत्री जी, हमने एक सवाल आपसे कर दिया था कि गुड्डू सिंह का नाम प्रधान के हत्या में आया है और कोई आदमी अगर हत्यारा है मुलजिम हो गया तो उस गांव में नहीं रहेगा, वो गांव छोड़कर के भाग जाएगा और उसका नाम पुलिस उपाध्यक्ष के हत्या में भी आया है तो क्या ये संभव है कि मान लीजिए उस प्रधान से और गुड्डू सिंह से दुश्मनी थी और उस गांव में देखने के लिए पुलिस उपाध्यक्ष गए तो वही इनकी हत्या करने के लिए वहां बैठा रहेगा? देखिए एक तो यह है, ठीक है, दूसरा यह है कि मिश्रा जी ने कहा उनके बारे में तो वोट राजा भैया कोई जबरदस्ती लोगों से नहीं ले लेते हैं, वोट तो वहां की जनता देती है और वहां की जनता उनको सदन में भेजती है। हाँ। तो अगर जनता उनके में कोई अच्छाई देखती होगी तभी उनको वोट देती है। वो अच्छाई बता दीजिए, नहीं तो बड़े बड़े लोगों को जनता धूल चटा देती है। रहा सवाल ये कि ये जो घटना हुई ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इसको एक घटना ही कहा जा सकता है। और रही बात ये कहना कि उत्तर प्रदेश में जब से सपा की सरकार आई है तो ये गुंडों की सरकार हो गई है, हम कहते हैं कि पिछले उसमें और बसपा का शासन था तो एक सीएमओ की हत्या जेल के अंदर हो गई, उसको अब आप क्या कहेंगे? बाहर नहीं, जेल के अंदर हो गई, जबकि बहुत हत्यारे और मारे जाने के डर से अपना जमानत रद्द करवा के जेल के अंदर जाते। 30 सेकंड बाकी बचे लेकिन आपके, उस जमाने में जी बोलिए बोलिए 30 सेकंड्स मोर। हाँ तो ये मैं कह रहा था कि उस जमाने में जेल में हत्या हो गई तो उसको आप क्या कहेंगे? और उस जमाने में जितना भ्रष्टाचार हुआ और आज आपने देखा कि मुख्यमंत्री ने बहुत बेबाकी से कहा कि जो भी इसमें दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा और उसमें सीबीआई की मांग कुछ विपक्ष से भी आई। जी आपका टाइम अब हो गया, जी आपका टाइम हो गया, आपका टाइम पूरा हो गया। डॉक्टर पूर्णमासी सदन की कार्रवाई छोड़ करके और सीधे देवरिया उनके घर पहुंचे, आपका टाइम पूरा हो गया। सांत्वना दिया सदन की तरह, सदन की तरह यहां मत कीजिए अमिताभ जी, अमिताभ जी सदन की तरह यहां मत कीजिए प्लीज। सदन में आप तमाम जो मैंने देखा है संसद में विधानसभाओं में नेताओं को एक दूसरे के वक्त का उल्लंघन करते हुए, इंक्रोचमेंट करते हुए, वक्त का अतिक्रमण करते हुए यहां मत कीजिए। योगी जी 3 मिनट में इन्होंने जो 4 बातें कही आप उसका जवाब देना चाहेंगे? देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि पिछली सरकार खराब थी तो हम भी वही करेंगे, उसके समय में हत्या लूट डकैती अपराध बलात्कार होता था तो हमारी सरकार भी वही करेगी। मुझे लगता है ये अपने आप में कहना बड़ी बेवकूफी होगी क्योंकि वह गलत थी इसलिए आपको चुना गया है, आप कुछ करके दिखाइए। दूसरा समाजवादी पार्टी की सरकार तो आतंकवादियों की पैरवी करती है, क्या उम्मीद कर सकते हैं आप इनसे? इन लोगों ने खुलकर के कहा अगर हाईकोर्ट ने सख्त रवैया नहीं अपनाया होता तब तक राम जन्मभूमि पर हमला करने वाले आतंकवादी, संकट मोचन मंदिर पर हमला करने वाले आतंकवादी, सीआरपीएफ कैंप पर हमला करने वाले आतंकवादियों के लोग बाहर छोड़ दिए होते और फिर उनके द्वारा और प्रदेश में आतंक फैलाया गया। यानी अभी कम है और जब वे बाहर आए होते तो उसके बाद क्या स्थिति पैदा होती हम कल्पना कर सकते हैं। देखिए एक साजिश, उस साजिश के तहत किस रूप में पूरे व्यवस्था को लपेटा जा रहा है हम सबको उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, दुर्भाग्य है न उसको मीडिया समझ रही है
ना प्रदेश की जनता समझ रही है, ठीक है, और राजनीतिक दल उसके अपने अपने निहितार्थ निकाल रहे हैं। डॉक्टर पूर्णमासी, आपने एक बड़ी बात कही कि गुड्डू सिंह जिसका नाम आया है इस हत्याकांड में, वो अभी तक गांव में है, गांव छोड़कर भागा नहीं। तो मान्यवर शहीद डीएसपी साहब की बेवा ने तो राजा भैया का नाम लिया, वो भी तो गांव में है, वो तो सदन में है, वो तो मुख्यमंत्री जी के घर में है, वो क्यों है? सवाल ये बड़ा है। राजीव यादव जी पूर्व पीआरओ हैं राजा भैया के, यादव जी क्या कहना चाहेंगे आप? हेलो जी, आप टीवी पर आवाज मत सुनिए, आप फोन पर मुझसे आवाज, मुझसे मेरी आवाज सुनकर आप जवाब दीजिए। क्या कहना चाहते हैं? जो तमाम आरोप लग रहे हैं इनके पीछे की हकीकत अगर आपको पता हो तो। शायद यादव जी बोलने की स्थिति में या तो है नहीं। देखिए जी बोलिए। देखिए अगर आप ये पूछ रहे हैं कि जो घटना हुई है उसके बारे में अगर आप हमारा व्यू जानना चाहते हैं, हाँ, तो कुंडा के अंदर, पूरे कुंडा विधानसभा क्षेत्र के अंदर बिना इनकी मंशा के पत्ता हिल जाए ऐसा संभव नहीं। जिस चीज के आज सीबीआई जांच के आदेश दिए गए हैं या दिए जाने वाले हैं, इसको सीबीआई रॉ सीआईए कोई वर्कआउट नहीं कर सकता, ये मैं पूरे दावे से कह सकता हूँ। अगर इसको कोई भी सच सच बता सकता है तो सिर्फ रघुराज प्रताप सिंह ही बता सकते हैं कि आखिर उस जाबाज सिपाही को मारा किसने। नहीं, आपका मतलब क्या है कि इस पूरे मामले में सीबीआई को चाहिए कि राजा भैया का नार्को कराया जाए, क्या ये आपका कहना है? क्या उनकी ब्रेन मैपिंग कराई जाए, क्योंकि होशो हवास में तो सच बोलने से रहे। जी, आपका कहना क्या है राजीव जी, बहुत संक्षेप में, वक्त हमारा मुझे लगता है कि हम ज्यादा आप ले रहे हैं। मुझे ये कहना है कि मैं जो मेरी जानकारी में है, जितना मुझे पता लगा, मैं वो बताना चाहता हूँ। चलिए, इस केस के मुतालिक कुछ इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हैं, सार्थक इन्फॉर्मेशन? हाँ हाँ बिल्कुल, बताइए जल्दी संक्षेप में बताइए, टाइम हमारे पास कम है। देखिए इस घटना को सही जाबाज सिपाही को किसने मारा, इसको एसओ हदगवां, इंस्पेक्टर कुंडा और सिर्फ रघुराज प्रताप सिंह बता सकते। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजीव यादव जी, आप नहीं बता रहे जिसके लिए हमने आपको फोन लाइन पे लिया, बहुत धन्यवाद। योगी आदित्यनाथ जी, योर फाइनल कमेंट प्लीज। देखिए मैंने कहा ना कि ये सरकार आतंकवादियों की पैरवी करती है, तो इस सरकार से क्या उम्मीद कर सकते हैं आप? जो देश पर हमला करने वाले लोगों की पैरवी कर सकती हो, ठीक है, देश के सांस्कृतिक प्रतीकों, व्यापक आस्था के प्रतीकों पर हमला करने वाले आतंकवादियों की पैरवी कर सकते हो, उनको मुक्त करने की बात कर सकते हो, किसी को भी छोड़ सकती है। बहुत धन्यवाद आपका योगी जी, आप रहिएगा। अमिताभ जी हमारे मैनेजिंग एडिटर हैं, उनका जो संपादकीय कथन है, वो आखिर नहीं, आप रहिए, उनका संपादकीय कथन सुनने के बाद मेहमानों को जाने की इजाजत होती है। और डॉक्टर पूर्णमासी जी, मैं आपको फाइनल कमेंट की इजाजत दूंगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको 3 मिनट दे चुका जिसमें आपने कम से कम मेरे हिसाब से कोई ऐसी बात नहीं कही जिससे कन्विंस हुआ जा सके। अमिताभ जी प्लीज। देखिए समाजवादी पार्टी के आज जितने भी बड़े नेता बोले, चाहे रामगोपाल यादव हो, नरेश अग्रवाल हो, हर व्यक्ति ने जो बात कही वो तर्क से परे बात कही। नरेश अग्रवाल कहते हैं राजा भैया को जेल नहीं भेजा जा सकता। भाई आप कौन होते हैं तय करने वाले कि राजा भैया को जेल भेजा जाएगा कि नहीं? आप अदालत है? उनके नहीं, उनका नाम भी नरेश है ना। अरे आप हम पर तोहमत लगा रहे हैं कि हम ट्रायल कर रहे हैं, अरे हम तो तब भी जनता के साथ, हमारी कुछ जवाबदारी है। आपको किसने हक दिया तय करने का कि जेल जाएगा कि नहीं जाएगा राजा भैया? रामगोपाल जी ने और अद्भुत बात कही, उन्होंने कहा कि सपा के खिलाफ भाजपा बसपा कांग्रेस सबकी साजिश है। अब कोई ये बताए हत्या लूट बलात्कार अगर सब साजिश से हो रही है इस प्रदेश में तो सरकार क्या कर रही है? तब साजिशकर्ताओं को बंद कर दीजिए, तब भी हम जान लें कि आपका इकबाल दुरुस्त है। और एक मोटी बात, बड़ी बात जो समझने की है, योगी आदित्यनाथ मेरी बात से सहमत होंगे, आज इस बड़े घटनाक्रम पर जब देवरिया गए अखिलेश यादव तो अपने साथ आजम खान को ले गए। क्यों आजम खान को ले गए ये समझना होगा। कहां गए नियाज हसन? 5 बार विधायक रहे थे कुंडा से, विलुप्त हो गए जब राजा भैया का प्रादुर्भाव हुआ।
18% का सवाल भी है सपा के जेहन में। मैं उस शहीद की शहादत पर कोई सवाल नहीं उठा रहा, उसको मेरा सलाम, लेकिन सपा ने जो कार्रवाई की है उसके पीछे 18% के नाराज हो जाने का भय है। न्याय देने की मंशा कम, भय ज्यादा है। ये भय है जिसने इनको इस स्थिति में लाके खड़ा। अमिताभ जी, मुझे याद आता है कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले आपने सपा के वरिष्ठ नेता और महासचिव, उस वक्त के प्रवक्ता मोहन सिंह साहब का एक इंटरव्यू लिया था जी। मोहन सिंह साहब ने उस इंटरव्यू में जो कहा, मैं चाहता हूं मैं अपने सहयोगियों से गुजारिश करूंगा कि वो दिखाएं जी। हाँ जी, वो देखते हैं। राजा भैया इस कैबिनेट में शामिल नहीं होते तो समाजवादी पार्टी की सरकार का चेहरा और उज्जवल होता। अब हम व्यक्तियों के बारे में चर्चा नहीं कर सकते जी, क्योंकि वो पार्टी का निर्णय था और पार्टी के निर्णय से मजबूर होकर मुख्यमंत्री को उन्हें शपथ दिलाना पड़ा। मैं जानता हूं कि वो बहुत सारे समय तक इस पर नाक भौं सिकोड़ते रहे, लेकिन अंततः उनको पार्टी के डिसीजन को स्वीकार करना पड़ा। अमिताभ जी बहुत संक्षेप में, यानी कि अखिलेश जी डीपी यादव की यही, तरह यही सवाल नहीं है, यही सवाल है। आज अखिलेश यादव को यह बात समझ आ रही होगी कि अगर मैं उस वक्त अड़ जाता, नहीं बनाता मंत्री, तो अच्छा आज ये दुर्दिन नहीं देखना पड़ता। आज सरकार को ये चेहरा कलंकित होने से बचता सरकार का। और जब मोहन सिंह जी ने यह बात कही, मोहन सिंह जुझारू नेता है, पुराने नेता है, भले नेता है, जब उन्होंने कहा तो समाजवादी पार्टी ने उन पर अनुशासन का डंडा चलाया कि आपने ऐसे कैसे बोल दिया। समाजवादी पार्टी ने चिट्ठी जारी की, ये तरीका है। आज सच पता लग रहा है, अखिलेश यादव को भी लग रहा होगा कि ये बोझ था जो कंधों पर नाहक उठा लिया। आज रामगोपाल जी ने कहा राजा भैया हमारी मजबूरी नहीं। अरे राजा भैया आपकी मजबूरी नहीं तो आप जेल में सब पूरा परिवार मिलने क्यों जाता था राजा भैया से? ठीक बात है। और 225 विधायकों की पार्टी एक निर्दलीय विधायक को पहले स्लॉट में शपथ क्यों दिलाती है कैबिनेट की? ठीक बात। अगर राजा भैया आपकी मजबूरी नहीं, ये मत बताइए राजा भैया सामान्य विधायक कभी नहीं रहा, राजा भैया सामान्य मंत्री भी नहीं रहा इस सरकार में। राजा भैया की हानक और राजा भैया का रौला जी, जिन लोगों ने कुंडा से लेकर लखनऊ तक राजा भैया को कभी साक्षात देखा है उनको अंदाज है कि सपा पर राजा भैया की हनक कितनी ज्यादा है जी। अमिताभ जी, कल रात के मैं बुंदेलखंड के बांदा अपने गृहनगर में था, रास्ते में ट्रेन में सफर कर रहा था, ट्रेन से आज सुबह यहां आया। कम से कम 5-6 आम लोगों से जो अलग अलग जगह के थे उत्तर प्रदेश में, उनसे मेरी इस मुद्दे पर बातचीत हुई। एक महिला ने बहुत अच्छी बात कही, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, उसका पता नहीं बताऊंगा, लेकिन ये बात बताऊंगा, उसने बड़ी एक लाइन में कहा कि जिस व्यक्ति को जेल के भीतर होना चाहिए, अगर उस व्यक्ति को जेल मंत्री बना दिया जाएगा तो यूपी सरकार का इकबाल कहां रह जाएगा। इस सवाल का जवाब अखिलेश यादव जी, प्रदेश की 23 करोड़ जनता आपसे मांगती है, आप हमें जवाब दें चाहे ना दें, जनता को तो देना पड़ेगा, क्योंकि तो अगर आपको अपने पिताश्री मुलायम सिंह यादव को दिल्ली दरबार की सत्ता पर काबिज होते देखना है तो इस सवाल पर आत्ममंथन करना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि बलीपुर गांव में ना हिंदू मरा है ना मुसलमान मरा है, लाचार हैं हुक्मरान, सिर्फ इंसान मरा है, सिर्फ इंसान मरा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, नमस्कार। इसमें टेस्ट है तंबाकू नहीं, आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा बेहतरीन कंस्ट्रक्शन, कम प्राइस, लग्जरियस फैसिलिटीज, एक्सेलेंट लोकेशन और नेचर के पास। श्री रजनीगंधा ग्रीन्स नोएडा एक्सटेंशन, अ क्वालिटी प्रोडक्ट बाय राजपूत ग्रुप ऑफ कंपनीज। चिंता मत करो, बस अस्पताल जरूर जाना। सब अच्छे से होता है वहाँ, जांच, दवाई, बच्चे का जन्म और 2 रात अस्पताल में माँ और बच्चे दोनों की देखभाल और खर्चा। अरे देवर जी, अब हर सेवा मुफ्त है, सरकार का जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जो है, जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य को लेकर चांस क्यों लेना? चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना। आज ली क्या? इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या?
बेहतरीन कंस्ट्रक्शन, कम प्राइस, लग्जरियस फैसिलिटीज, एक्सेलेंट लोकेशन और नेचर के पास। श्री रजनीगंधा ग्रीन्स नोएडा एक्सटेंशन, अ क्वालिटी प्रोडक्ट बाय राजपूत ग्रुप ऑफ कंपनीज। सुपरटेक